सो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कैमल्स बैक पर, आइए आप लोग को दिखाता हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, इट्स योर उरुस। सो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोग को ऐसी जगह लेकर जाने वाला हूँ जो कि नैनीताल की सेकंड हाईएस्ट पीक है। एंड अगर आप लोग स्नोफॉल के लिए ट्राई कर रहे हो जाने के लिए तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर से आ सकते हो। वहाँ पे आप लोग 100% आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगी। आज मैं आप लोगों को वही जगह दिखाऊंगा, मैंने अपने चैनल पे 3 साल 3.5 साल हो गए एक बार वहाँ उस जगह को एक्सप्लोर करा है। आज मैं जाऊँगा अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये रही हमारी कॉन्टिनेंटल, तो यहाँ से भी हम लोग जाएंगे और साथ में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है शहजाद अली, शहजाद नैनीताल व्लॉग्स। गाइस बहुत ही मज़ा आएगा आज, और उस भाई जा रहे हैं, हमारे छोटे भाई भी जा रहे हैं आज, बहुत ही मजा लेते हुए जाएंगे गाइस, बहुत ही मजा आएगा। और उस भाई के साथ हम दोनों अपनी अपनी बाइकों से, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, पारापता चौराहे पर ही खड़े हैं, आप लोग दिखाते हैं। तो ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये सीधे उसी जगह पर जा रहा है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती रहेगी आज की वीडियो में आपको सबको मिलता रहेगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना, जब भी स्टॉप पर होगी सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल मिल जाएगी। तो बिना देरी करें लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अभी आप लोगों को रास्ता बताता हूँ, वैसे तो मुझे सारे रास्ते याद है लेकिन हम वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। सो भाई फाइनली हम उसी रोड को फॉलो करते हुए आ गए। अब तो हमने यहाँ पे रोड के साइड में बाइक पार्क कर दिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि कैमल्स बैक जाने के लिए आप लोगों को कौन सी ट्रैक फॉलो करनी पड़ेगी, कौन सा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। तो बाइक लगा के आप लोगों को ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके बगल से ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये वाला ट्रैक फॉलो करते हुए हमें सीधे जाना है कैमल्स बैक के लिए। तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आगे को दिखाता रहूँगा। अभी मैं जो रास्ता फॉलो करूँगा ये वाला रास्ता ही फॉलो करूँगा। ओके गाइस, सो जिस जगह पे अभी मैं पहुंच चुका हूँ, तो आप लोग ये पानी की टंकी देख सकते हो। भाई सारी ज़िंदगी इस पानी की टंकी का पानी पिया, क्योंकि स्रोत का पानी होता है, ये पहाड़ों से छन के आता है। बट अब तो हम कहीं और रहते हैं तो अब हम लोग ये वाला पानी नहीं पी पाते। एंड आप लोगों से मैं ज़रूर से रिकमेंड ये करूँगा कि भाई जब इस ट्रैकिंग वगैरह करते हो ना, तो अपने साथ लोग खाने के लिए कुछ ले जाया करो, पानी तो ज़रूर से ले ही लिया करो, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता भाई ऊपर तक। भाई सामने आप लोग देख सकते हो नैनीताल का व्यू, बहुत हालत ख़राब हो गई भाई। मैं तो यहीं पर रहता हूँ, बस जब से बाइक खरीदी तब से चलना थोड़ा बंद हो गया है, फिर भी चला नहीं जा रहा है भाई। भैया पहाड़ से इतने मोटे मोटे पत्थर नीचे आके गिरे हैं यहाँ से कहीं से, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बर्फ़ में तो इस रास्ते का अलग मज़ा ही अलग होता है। बर्फ़ अगर पड़ गई तो शहजाद भाई और मैं इस रास्ते में फिर से आके ब्लॉग जरूर से बनाएंगे आप लोगों के लिए। दिल भाई बाहर मुँह से आने वाला है, तो हम शॉर्टकट ले रहा हूँ। मेन रास्ता ये वाला है, सीढ़ी वाला दिखा दो, अभी यहाँ से शॉर्टकट लेंगे। शहजाद भाई जा रहे हैं, तो कैमरा मैन संभाल के आ रहा है। जब हम लकड़ी नहीं थे तो बड़ा मजा आता था, लकड़ी नहीं जाते थे ऐसे ऐसे पत्थर हमारे आगे से निकलते थे। अभी देखो इससे फर्क मत जाइए, आराम से आना। तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं नैनीताल का सबसे जो हाइट पे जो गांव है, देख सकते सत्यनारायण जी का मंदिर है यहाँ पर। एंड यहाँ से नैनीताल का व्यू बिल्कुल अनरियल भाई। तो यहाँ पे जो पेड़ है, इस पेड़ पे आप लोग देख सकते हो भाई कितने सारे नींबू या संतरे नींबू ही लगे हुए हैं, बड़े वाले नींबू, पहाड़ी नींबू। फाइनली हम लोग यहाँ पर आके पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा थक गया हूँ मैं, मतलब सांस फूल गई, इतनी देर रेस्ट करने के बाद आराम नहीं आ पा रहा है अभी तक। मैं बोलता हूँ भाई साथ में पानी वगैरह कैरी जरूर से कर लिया करो। तो यहाँ से आके आके चल के दिखाता हूँ सारी बहुत सारी चीज़ें। भाई पहाड़ में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, यहाँ पे ऐसे बूंद बूंद करके पानी भरना पड़ता है भाई, बहुत दिक्कत है। क्योंकि एक तो शहर से बहुत ज़्यादा हाइट पर है ना, तब आप लोगों के मन में डाउट रहता है कि टिफिन टॉप के लिए कौन सा रास्ता है। तो भाई इसी रास्ते से हम लोग अभी ऊपर को आए हैं, ये आप लोग ग्रीन कलर की टीम देख सकते हो, इसके बगल से रास्ता जाता है ये टिफिन टॉप के लिए। ये वाला रास्ता ही फॉलो करेंगे हम अभी आगे को चलकर। एंड अगर यहाँ से सीधे चले जाओगे ना ये वाले ऊपर वाले रास्ते में, तो ऊपर चले जाओगे चाइना पीक। सो भाई ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पे कितनी बढ़िया जगह, यहाँ पे आप लोग पिकनिक और कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो अगर परमिशन मिल जाए आप लोगों को तो। एंड यहाँ से देख सकते हो रास्ता इतना बढ़िया है ना भाई, दिल खुश हो गया। सो भाई फाइनली अभी हम लोग पहुँचे नहीं है, चल चल के बुरे हाल हो गए भाई। एक तो चलने की हैबिट बिल्कुल बची नहीं है, जब से बाइक खरीदी है ना बहुत ज़्यादा चलना बंद हो गया है। आजकल तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत मार्केट चला जाता हूँ, बट वैसे बिल्कुल चलना बंद हो गया है, हालत एकदम ख़राब हो गई है भाई। आप लोगों से रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग, आपके साथ अगर बच्चे हैं या फिर बुज़ुर्ग लोग हैं ना, बिल्कुल मत आना भाई, आराम से चलो भाई। थक गए बिल्कुल चल चल के, बैंड बज चुकी है, अभी आगे चलता हूँ, आगे चल के दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ये तो थक गया है, देखो मैं दिखाता हूँ व्यू, दिखाता हूँ। आज आज जल्दी जल्दी चलते हैं कई। आज मैंने इसका चैनल चुरा लिया है, अच्छी वीडियो में डालूंगा। मैं इसका फ़ोन लेके भाग चुका हूँ यार, है वो दिख रहा होगा। तो ये है और हम जा रहे हैं यहाँ से, हम चलते हैं आगे। ये तो आता रहेगा, ये तो छपरी है, दिख भी नहीं रहा है। ये रहा गाइस जंगल में, ये देखो दिख भी नहीं रहा है।
वो रहा व्यू। अभी हमें जाना है वो ऊपर पहाड़ पे और ये आगे, अपन चलते दिखाता हूँ व्यू आपको। यार गाइस सामने का व्यू चेक करो, नीचे का व्यू चेक करो, अभी इस चोटी पे चलते हैं फिर दिखाता हूँ। गाइस ये आ रहा है, दिख रहा है पहुंच चुका हूँ। सुबह फाइनली मैं पहुंच चुका था कैमल्स बैग पर एंड यहाँ पे मेरे को कुछ भाई लोग मिले अपने, ये देख सकते हो भाई मेरे को पहले से जानते हैं लोग स्कूल टाइम से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रितिक है भैया। तो सारे भाई लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं भाई, पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपने शहर में भी रिकॉग्निशन मिल रही है अपने। एंड यहाँ से व्यू आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा व्यू आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ कैमल्स बैग पे समय में खड़ा हूँ एंड आगे जो आप लोग देख पा रहे हो भाई सीधे ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है, सारा यहाँ पे भयंकर पूरे बादल लगे हुए हैं, लग रहा है कुछ है ही नहीं अगर आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे हो तो। एंड जो लेक दिख रही है भाई वो है खुरपाताल लेक, वो जो दिख रही है भाई नैनीताल लेक, एंड ये जो दिख रहा है भाई सुगाताल लेक जो लेक के नाम से फेमस है ये जो दिख रही होगी। एंड यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जो ये है भाई यहाँ पे हिमालयस के व्यूज़, यहाँ से भी हिमालय के व्यू दिख रहे हैं। मैंने खाली ऐसे टाइटल पर लिखा नहीं है कि खाली स्नो ट्रैक, यहाँ पर से भी दिख रहा है। एंड यहाँ पे भाई लोग आ गए सब अपनी जान पहचान के हैं अपने। एंड यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ से भी हिमालय दिख रहे हैं भाई जूम कर रहा हूँ मैं जैसे, तो बहुत अच्छा लगता है भाई यहाँ पे आके आ सकते हैं जैसे भाई लोग फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे भाई सारे लोग, भाई लोगों पीछे से दिख रहे होंगे आप लोगों को। बहुत भयंकर भयंकर हवाएं चल रही है भाई यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि उड़ी जाने उड़ी जाएंगे बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? अब तो तू तो ब्लॉग में दिखाई नहीं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? देख यहाँ गाइस मैं आता हूँ सिर्फ रील बनाने के लिए, मेरे फोटोज़ खींचने के लिए। कैसे हो रहे हैं और कुछ बता? और बाकी बहुत अच्छा भी हो रहा है बट, और इसको पगार देता हूँ मैं थोड़ी बहुत, ये मेरे टीम मेम्बर एक भाई चारों यहाँ से व्यू जो दिखता है दिखाता हूँ यहाँ से हिमालय। बड़े ही बड़े ही कॉपीराइट आ जाएगा, गाड़ी बंद कर दो। तो भाई अभी कुछ खाने पीने के लिए आए थे हम लोग शताब्दी लोग शताब भाई यहाँ पे, और देख सकते हो कहाँ बैठे शताब भाई नीचे देख रहे हो पूरा भयंकर की बिल्कुल प्लेन मैदान सीधे, अगर फिसले तो पता नहीं खा जाएंगे बिल्कुल खाई है और यहाँ पे फोन लगा दिया था हम लोगों ने ये वाला फोन, एंड यहाँ से जो धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं फिर यहाँ से चलते हैं आगे चल के आगे चलते हैं। तो भाई एक आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर आप लोग ऐसी किसी भी जगह पर जाते हैं नैनीताल की किसी भी या नैनीताल या किसी भी कहीं पे भी जाते हो ट्रैक करने के लिए जहाँ पे लोग ऐसे नहीं जा सकते, तो एक भाई बहुत एक प्यारी सी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई जो आप ही अपने साथ कैरी करके लेके जाओगे ना सामान खाने पीने का, उसका जाना कचरा अपने साथ वापस भी ले आना भाई, क्योंकि यहाँ पे कौन सफाई करने का आएगा। एंड ऐसे माउंटेन्स की ब्यूटी भी बिल्कुल ख़राब हो जाती है ना, तो ये सब चीज़ें अपना ध्यान रखना भाई प्लीज़, एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। एंड अपने हमने भी बैग में सारा कुछ डाल दिया था जो भी हम लोग खाने पीने के लिए लेके आए थे जो भी रैपर्स वगैरह थे, लोगों ने यहाँ पे कचरा फैला रखा है रास्ते में। कि आप लोगों ने आज की वीडियो में देखा होगा मैं आया था कैमल्स बैग, एंड जैसे कि मैंने आप लोग बताने की कोशिश करी कि अगर आप लोग स्नोफॉल के टाइम में भी यहाँ पर आते हो तो ये जगह बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छी रहेगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया कि दो साइड से हिमालय सकते हैं, एक साइड से नैनीताल लेक दिखती है एंड बहुत क्लियर व्यू भाई, जैसे मैंने आप लोगों को थंबनेल भी देख सकते हो जैसे मैंने थंबनेल लगाया हुआ है, ऐसे ही आप लोग फोटोज यहाँ पे आकर खिंचवा भी सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग जगह है। मेरी प्रेफरेंस तो यही रहेगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्या है लोकलाइट्स आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर जाते हैं नैना पीक पे मतलब चाइना पीक पे जाते हैं वो लोग, इस तरफ लोग कम ही आते हैं, ये जगह इतनी ज़्यादा खास पॉपुलर भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस जगह पर ज़रूर से आना है भाई यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो। एंड कुछ भी मन में डाउट है, कोई सलाह चाहते हो, कोई मन में क्वेरी है, कोई किसी टॉपिक वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर से लिख सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो से तैयार मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। भाई वापस आ तो कहते हैं ऊपर चढ़ के, अब यहाँ से जो रास्ता आप लोग देख पा रहे हो इतना भयानक रास्ता है ना, मेरे जैसे वेट लाने के लिए तो बहुत रिस्क है यार, रिस्क हो रही है।